गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का आज हम सेवन्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में आपको हिस्टोग्राम और पॉलीगन करवाऊंगी आज मैं टॉपिक। इस चैप्टर के आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने, थ्योरी नहीं करनी है अटैम्प्ट। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाऊंगी कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम देखो, हिस्टोग्राम में आपको ऐसी स्टेटमेंट दी होगी बनाने के लिए। फर्स्ट हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। जब स्टेटमेंट में हमें क्लास इंटरवल्स इक्वल दिए होते हैं, देखो 0 से 10 गैप कितने का है, 10 का। सेकंड 10 से 20 गैप कितने का हुआ, 10 का। सभी में गैप आप देखोगे तो 10 का है। तो जब इक्वल गैप होता है तो हमने इक्वल ही सबको बनाना है। तो मैंने आप यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एक तरफ एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ वाई एक्सिस। आपने एक्स एक्सिस पे मार्क्स लेने हैं और वाई एक्सिस पे आपने स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मार्क्स देखो 0 से 70 तक है, तो यहाँ पे मेंशन करना है 0 यहाँ पे 10 20 30 देन 40 50 60 70 एंड 80। तो मैक्सिमम 70 तक थे तो हमने क्या किया, 80 तक ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स ये हुए हैं, देखो सबसे कम स्टूडेंट कितने हैं, 4, और सबसे ज़्यादा 20, तो एक नंबर ज़्यादा ले लेंगे। तो हम इंटरवल्स कैसे बनाएंगे, 5 10 15 20 25 और 30। तो सबसे पहले फर्स्ट देखो, 0 से 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। 0 से 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। पहले इससे पहले मैंने आपको चैप्टर करवाया था बार डायग्राम, उसमें मैंने आपको बताया था कि गैप लेना है। एक बनाने के बाद उसमें गैप था, बट हिस्टोग्राम में गैप नहीं रखना, 7 की 7 इंटरवल्स को शो करना है। 10 से 20 कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 10 स्टूडेंट्स, तो 10 तक इसको ड्रॉ करना है विद स्केल। नेक्स्ट जो है 20 से 30 15 स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसको हम 15 तक ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये थे 5 स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 10 स्टूडेंट एंड देन 15, तो ऐसे ही सारे आपने ड्रॉ करने हैं। अब आगे सेकंड टाइप, सेकंड टाइप है जब हमारे इंटरवल्स इक्वल नहीं होते, क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं होते, तब देखो कैसे अटैम्प्ट करना है हिस्टोग्राम। देखो फर्स्ट इंटरवल है 10 से 15, सेकंड 15 से 20, तो गैप कितने का है, 5 का, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी गैप 25 से 30, 5 का गैप, और नेक्स्ट गैप है 10 का और नेक्स्ट है 20 का। तो हमें गैप इक्वल नहीं दिया, तो कैसे करना है, सेम वैसे ही ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आपने वेजेस लेने हैं, वाई एक्सिस पे आपने वर्कर्स शो करने हैं, ठीक है। 0 से ही स्टार्ट करेंगे, देखो 0 से 10 से लास्ट इंटरवल कितना है, 60, तो हम क्या करेंगे, 5 5 का गैप ले लेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, ठीक है। तो सबसे मिनिमम लिमिट कितनी है, 7, और सबसे ज़्यादा 27, तो 5 5 का यहाँ पे ले लेंगे, 5 10 15 20 25 30 और 35। अब देखो सबसे पहले 10 से 15, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, 10 से 15 कितने हैं, 7 7 वर्कर्स हैं, तो हमने 7 तक यहाँ तक शो करना है, 10 से 15 कितने वर्कर्स हैं, 7 वर्कर्स हैं। नेक्स्ट 15 से 20 कितने वर्कर्स हैं, 10, 15 से 20 तक कितने वर्कर्स हैं, 10, तो इसको हमने यहाँ तक 10 के बिल्कुल इक्वल तक शो करना है, 15 से 20, ये हो गए 10 वर्कर्स। नेक्स्ट 20 से 25 कितने वर्कर्स हैं, 27, 20 से 25 तक कितने वर्कर्स हैं, 27, तो थोड़ा सा यहाँ 25 के ऊपर, तो यहाँ तक बनेगा,
ये हो गए 27। नेक्स्ट देखो 25 से 30, 15 वर्कर्स, तो 15 यहाँ तक है तो हमने यहाँ तक ड्रॉ करना है, तो ये हो गए 15 वर्कर्स। और नेक्स्ट देखो 30 से 40 तक 12 वर्कर्स हैं, 30 से 40 तक, ठीक है। तो यहाँ से 12 वर्कर्स हैं तो इसको भी हम इक्वल इंटरवल्स कर लेंगे। पहले 30 से 35, इसका हाफ कर लो आप, 12 का हाफ कितना हो गया 6 और 6, तो पहले 6 वर्कर्स शो करने हैं और नेक्स्ट फिर से 6 वर्कर्स शो करने हैं। मतलब टोटल हमने 12 वर्कर्स कैसे शो करने हैं, 30 से 35 6 वर्कर्स और 35 से 40 तक 6 वर्कर्स। नेक्स्ट देखो 40 से 60 कितना क्या गैप है, 40 का, ठीक है। 40 से चलना है और 60 तक जाना है, तो इसको 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि 20 का 5 5 5, ठीक है। 4 हिस्से कितने हुए, 3 3 3 3, ओके। तो हमने पहले 3 लेने हैं, नेक्स्ट 3, फिर 3, फिर 3, ठीक है, ऐसे 3 3 3 3, ओके। तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, ऐसे बनानी है, ओके। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बनाना सीखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कैसे ड्रॉ करते हैं। ये मैंने हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम से ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनते हैं, देखो फर्स्टली 0 से 10 का मिड पॉइंट यहाँ पे, 10 से 20 का मिड पॉइंट यहाँ, 20 से 30 का मिड पॉइंट, 30 से 40 का मिड पॉइंट और 40 से 50 का मिड पॉइंट। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी मतलब वो लाइन है जो हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हैं। पॉलीगन आ गया, जब पॉलीगन में हम स्केल का यूज़ करते हैं पॉइंट्स को मीट करने के लिए, जैसे फर्स्ट ऐसी, नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट पॉइंट्स को मीट करना है और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट्स को। तो ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाई है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व मैंने यहाँ पे पहले ही हिस्टोग्राम आपको बना रखा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कर्व भी हिस्टोग्राम से ही बनता है, ठीक है। हिस्टोग्राम बना हुआ है तो कर्व बनाने के लिए वैसे ही सेम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। बस इसमें एक स्पेशलिटी है कि कर्व में हम स्केल का यूज़ नहीं करते, फ्रीली हैंड से बनाते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक है, मतलब फ्री ऑफ हैंड बनाते हैं, बिल्कुल भी स्केल का यूज़ नहीं करते। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम स्केल का यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व में हम स्केल का यूज़ नहीं करते। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।